हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा कॉलेज ऑफ एजुकेशन द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अधिव्यय सेकेंडर की बुक अधिगम के लिए आंकलन के टॉपिक मानक विचलन को डिस्कस कर रहे थे। मानक विचलन में हमने पढ़ा संक्षिप्त विधि के द्वारा मानक विचलन और मानक विचलन गुणांक को कैसे ज्ञात करते हैं। संक्षिप्त विधि से होते हुए अब हम ज्ञात करेंगे कि दीर्घ विधि के द्वारा मानक विचलन की गणना और मानक विचलन की मानक विचलन गुणांक की गणना कैसे की जाती है। क्वेश्चंस के आधार पर देखते हैं कि मानक विचलन गुणांक दीर्घ विधि के द्वारा किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। जिस तरीके से कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न आंकड़ों का मानक विचलन गुणांक दीर्घ विधि की सहायता से ज्ञात कीजिए। इसका सूत्र क्या होता है? दीर्घ विधि का सूत्र होता है, दीर्घ विधि के द्वारा मानक विचलन गुणांक ज्ञात करने का सूत्र होता है। मानक विचलन जिसे प्रेजेंट किया जाता है सिग्मा के द्वारा, सिग्मा इज इक्वल टू ये होता है रूट एफ स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, यहां जो प्रयुक्त पद है हमारे का मतलब क्या होता है? जहां पर सिग्मा का मानक विचलन गुणांक है, मानक विचलन है, सॉरी गुणांक नहीं है, एफ क्या है? एफ तो फ्रीक्वेंसी है। डी क्या है? डी है हमारा विचलन, और एन क्या है? एन है आंकड़ों की संख्या या पदों की संख्या। ठीक है, सूत्र हो गया सिग्मा इक्वल टू सिग्मा एफ स्क्वायर अपॉन एन का रूट। ये इस विधि के द्वारा मानक विचलन गुणांक ज्ञात करते हैं, मानक विचलन ज्ञात करते हैं और मानक विचलन गुणांक क्या होता है। ये होता है सिग्मा अपॉन एन। या कह सकते हैं मानक विचलन बटे मध्यमा। इन दो सूत्रों का यूज करते हुए मानक विचलन और मानक विचलन गुणांक की गणना की जाती है। और मध्यमान दीर्घ विधि है, ये संक्षिप्त विधि में बताया गया था। मध्यमान बहुत इंपॉर्टेंट होता है निकालना। मध्यमान एम कहते हैं इसे, कल्पित मध्यमान। हम संक्षिप्त विधि में कल्पित मध्यमान को एम से रिप्रेजेंट किया करते थे। ये होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन होता है हमारा यहाँ पर मध्यमान। इस पर आधारित प्रश्नों के द्वारा दीर्घ विधि के द्वारा हमारा कहा गया है कि इन आंकड़ों की का मानक विचलन और मानक विचलन गुणांक ज्ञात कीजिए दीर्घ विधि के द्वारा। इसमें दिया हुआ है वर्गांतर आवृत्ति, वर्गांतर दिया हुआ है
वर्गाकार दिया हुआ है 40 से 44, और जब इन्हें सबको जोड़ेंगे तो समस्त पद आ जाएंगे, तो इस
नीचे से देखो 42 में कितने हो जाएंगे, 2 चौका 8 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 2 चौका 8 84, 4 23 और 4 चौक 16 और 2 18 188। इसी तरीके से 312, 319, 399 सॉरी 399, 620, 802, 576, 385, 246 और 174 आ जाएगा। यह आया है हमारा एफएक्स की वैल्यू। अब हमें चाहिए है सिग्मा एफएक्स। सिग्मा एफएक्स का मतलब होता है समस्त पदों का योगफल। समस्त पदों का योगफल इस सारे के सारे को, इस सारी श्रृंखला को जोड़ने पर हमारा सिग्मा एफएक्स आ जाएगा, यह आ जाएगा 3788। ठीक है, सिग्मा यहां से हमारा आ जाएगा मध्यमान। सिग्मा एफएक्स कितना आया है 3788 और हमारा मध्यमान कितना है, मध्यमान आया है हमारा 5, 5, 10, 8, 18, 18, 4, 12, 30, 40, 47, 47 और 10, 47, 57 और 2, ये 59 आ जाएगा। एन आ गया हमारा 59। इस 3788 अपॉन 59 ये डिवाइड करके आ जाएगा 64.20, यानी कि हमारे पास मध्यमान आया है 3, मध्यमान आया है 6420.20। ठीक है, अब विचलन क्या करना है, अगला पद है इसमें जो हमारा अगला पद होगा ये होगा विचलन। रिप्रेजेंट करते हैं डी से और ये होता है डी स्क्वायर टू एक्स माइनस एन। डी स्क्वायर टू एक्स माइनस एन, एक्स है हमारे पास ये और एम है हमारे पास 64.20, 87 माइनस 64.20 क्या आ जाएगा, 87 माइनस 64.20, 08 यहाँ बचे 6, 2 तो 22.80 आ जाएगा, 22.80। ठीक है, 22.80 के बाद ये आ जाएगा 17.8, 17.8 के बाद ये आएगा 12.8, 12.8 के बाद ये आएगा 7.8, फिर 2.8, 2.8 के बाद आएगा माइनस के 2.2, 7.2, 12.2, 17.2 और माइनस के 22.2। इसमें अगली टर्म होती है ये है डी, हमें जरूरत है डी स्क्वायर की, अपने सूत्र में हमें जरूरत है डी स्क्वायर की, तो इसका कर लेंगे हम स्क्वायर। ये जो पद आया हमारा डी, इसका हो जाएगा स्क्वायर। इसका स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा, तीन सौ 16.84, 16384। कैलकुलेशन जो है इसकी काफी ज्यादा लेंथी होती है, इसलिए खुद की जा सकती है, खुद करनी होगी आपको। जीरो आठ
3628893.04.36985.68। इसका सूत्र है हमारे पास ये है कि इसमें सिग्मा भी जुड़ा हुआ है। सिग्मा का मतलब है समस्तीकरण का योगफल हो रहा है, यानी कि सिग्मा स्क्वायर करना पड़ेगा। इनसे जो सारे पद आए हैं इन्हें आपस में जोड़ना पड़ेगा और ये जुड़कर आ जाएगा 6863.56। ये आया हमारा समस्त पदों का इसका योगफल सिग्मा स्क्वायर का, और सिग्मा n है हमारे पास, सॉरी n है हमारे पास 59। तो जो सूत्र है हमारा सिग्मा इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर अपॉन है, एफ डी स्क्वायर आया है 6863.56 अपॉन एन है हमारा 59 और इसका रूट, इसका रूट निकालने पर आ जाएगा करीब 16.33 रूट में ही, और इसका रूट करने के बाद आएगा इसका आंसर 10.7। ठीक है, अब मानव विचलन गुणांक, मानव विचलन गुणांक ये होता है हमारा, मानव विचलन आया था 10.78 और मध्यमान आया था हमारा 64.20। जो कुछ भी आएगा वो आएगा हमारा मानव विचलन गुणांक, क्योंकि मानव विचलन गुणांक का सूत्र होता है। ये होता है मानक विचलन बटे मध्यमान। इस सूत्र का यूज करते हुए मानक विचलन गुणांक और मानक विचलन की आपस में की गणना